पता है दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश से मुझे एक कॉल आया था। एक भाई ने पूछा कि भैया मैं एक चर्च का मेंबर बनना चाहता हूँ, लेकिन कैसे एक चर्च का मेंबर बनूंगा मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताइए। हो सकता है कि आपका मन में भी यह सवाल आया होगा कि एक चर्च का मेंबर कैसे बनते हैं। आइए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूँ, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कॉल आया कि भैया मैं चर्च का मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया, वही चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हमें चर्च का मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है अपना व्यक्तिगत प्रभु, परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में, ओके। दूसरी बात, आपको चर्च रेगुलरली जाना है, मतलब हर संडे जाना है। कभी कभी हो सकता है कि आप कुछ कारण से नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चर्च जाते रहना है और एक ही चर्च जाना है, जगह जगह नहीं घूमना है, ठीक है। आप पास्टर के साथ समय बिताइए। अगर कलीसिया बहुत बड़ा है, पास्टर बहुत बिजी रहते हैं, उनके साथ बात नहीं हो पा रहा है, तब लोकल लेवल में जो विश्वासी है या जो लीडर है कलीसिया के, उनके साथ आप समय बिताइए और कोशिश कीजिए कि आप उनको जान सके, वो आपको जान सके। इस तरीके से जान पहचान कीजिए, या फिर हो सके तो अपना घर भी आप उनको खाने पर जरूर बुलाइए। आप अपना गवाही दीजिए पास्टर को, या फिर चर्च के जो एल्डर है उनको गवाही दीजिए कि मैंने कैसे प्रभु को ग्रहण किया, जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। इस तरह से अगर पास्टर आपको, हमारा मोटो है परिवर्तन मुझ में और तब परिवर्तन मेरे द्वारा से, तो क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। आपको मौका देता है चर्च में गवाही देने का, तो आप चर्च में भी गवाही दीजिए ताकि लोग आपका गवाही सुनकर परमेश्वर की महिमा करें। आप धीरे धीरे स्टडी कीजिए परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का चरित्र के बारे में कि वो कौन है, उसका गुण कैसा है। फिर आप पाप, उद्धार, पवित्र आत्मा और बपतिस्मा के बारे में स्टडी कीजिए। आप धीरे धीरे जानने का कोशिश कीजिए, ओके। हो सकता है कि आपको कोई सीनियर धीरे धीरे मदद करने लगे, तब जाकर के आप उनको पूछिए कि मुझे बैप्टिज्म लेना है और इस कलीसिया का मेंबरशिप चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तब पास्टर क्या करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपको फिर प्रोसीजर बताएंगे। हो सकता है कि कुछ क्लासेस भी देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आप नए विश्वासी हैं और 18 साल से कम के हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भारत का नियम के अनुसार 18 साल या उससे अधिक हो गए हैं तो आप बैप्टिज्म लेने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, आपको एक बात याद रखना चाहिए, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया उसके बाद इमीडिएटली आपको बैप्टिज्म दे के मेंबरशिप दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप सावधान रहिए, कम से कम एक साल, अधिक से अधिक डेढ़ साल का समय जरूर लगाइए, क्योंकि लोग आपको जानेंगे, विश्वास होगा कि आप छोड़कर पीछे नहीं लौटेंगे, तो आपको जरूर ऐसा बैप्टिज्म देंगे, मेंबरशिप भी देंगे। सो आप ये बात मान के चलिए कि एक साल कम से कम लग जाता है। जो लोग पास्टर या लीडर है उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक नया विश्वासी को तुरंत बैप्टिज्म और मेंबरशिप मत दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, परखिए और उनको विश्वास में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए, तब आप उनको मेंबरशिप चर्च का जरूर दीजिएगा।